अंजनापुर नामक एक सुंदर गांव था। उस गांव में चंटी नामक एक आदमी एक छोटे घर में रहता था। वो घर के यहाँ ही सब्जियों को उगा के उन्हें गांव में बेचता था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था और इतना ही नहीं, उसे तरबूज से बहुत प्यार था, इसलिए वो हमेशा तरबूज बहुत खरीदता था। एक दिन वो सब्जियों को मार्केट में बेचने गांव जाता है। सब्जियां सब्जियां, ताजा ताजा सब्जियां, आइए बाबू आइए, घर पे उगाए हुए ताजा ताजा सब्जियां हैं, जल्दी आइए बाबू। उसकी बातें सुनकर वहां से गुजर रही एक औरत उसके पास जाती है। 1 केजी टमाटर दे दो बाबू। जी मेम साहब। ऐसे वो टमाटर उस औरत को दे देता है। इतने में उसे कहीं और से एक आवाज सुनाई देती है, तरबूज तरबूज, ताजा ताजा तरबूज, मीठा मीठा तरबूज, 1 तरबूज का सिर्फ 50 रुपए, आइए बाबू आइए। अरे लगता है यही कहीं तरबूज कोई बेच रहा है, मुझे जल्दी वहां जाना होगा और पता लगाना होगा कि कौन तरबूज बेच रहा है। ये सोचकर वो अपने आसपास देखते रहता है। इतने में उसे दूर में एक आदमी दिखाई देता है जो तरबूज बेच रहा है। आह, गर्मी का मौसम आ गया तो इसका मतलब ये है कि मेरे पसंदीदे तरबूज वापस आ गए हैं। मुझे बिना देरी के जल्दी वहां जाकर तरबूज खरीदना होगा और आज से हर रोज मैं तरबूज खरीदूंगा। हाँ, ये फैसला करके वो खुशी खुशी उस तरबूज की दुकान की ओर बढ़ने लगता है। 1 तरबूज का सिर्फ 50 रुपए है साहब, लीजिए। 2 तरबूज 80 में दे दोगे? जी साहब लीजिए। ये कह के वो आदमी उसे 2 तरबूज देता है। तरबूज खरीदने की खुशी में चंटी ये भी भूल जाता है कि उसके खुद के सब्जियां हैं और वो खुशी खुशी दुकान बंद करके उसके घर चले जाता है तरबूज खाने। तरबूज से बहुत लगाव होने के कारण वो हर रोज सब्जी बेचकर आए हुए पैसों को सिर्फ तरबूज खरीदने में लगा देता था। उसी समय में गांव के सारे अमीर लोग इस डर में जी रहे थे कि अगली बार किसके घर में चोरी होगा, क्योंकि उस समय में चोर बहुत थे और अमीर लोगों के घर में बहुत चोरी करते थे। एक दिन एक अमीर आदमी की पत्नी कीर्तना चोर और चोरी के बारे में सोचते हुए इधर उधर घूमती रहती है। इतने में उसे चंटी दिखाई देता है तरबूज लेके जाते हुए। उसे देख वो सोचती है, अरे इस आदमी का घर तो इस गांव में सबसे छोटा है, अगर मैं अपने गहने सोना और सेवर इसके घर में डाल दूं तो किसी को शक भी नहीं आएगा और किसी को कभी भी पता नहीं चलेगा। इसके छोटे घर में तो चोर भी नहीं घुसेंगे, तो मेरे गहने सारे सुरक्षित रहेंगे। और क्योंकि ये आदमी अकेले रहता है, मुझे इसके घर में गहने डालने और निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा और मुझे उस चोरों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही वो चोर यहाँ से चले जाएंगे, मैं अपने गहने सोना और जेवर उससे वापस ले लूंगी। हाँ, यही अच्छा तरकीब है। इस सब के होने के बाद जब मैं अपने गहने और जेवर अपने घर वापस लेके जाऊंगी, तब मैं अपने पति को बताऊंगी। मुझे ये सब सुबह के समय में करना होगा, जब चंटी उसके घर से बाहर सब्जी बेचने जाएगा, तब किसी को कोई शक नहीं आएगा, यहाँ तक कि उसे खुद भी पता नहीं चलेगा। ये फैसला करके वो अगले दिन सुबह चंटी के घर के बाहर जाने का इंतजार करती है। जैसे ही वो चला जाता है, वो उसके सारे सोना सब उसके घर लेके जाती है, पर उसे समझ में नहीं आता कि वो सब वो कहाँ छुपाएगी। हाँ, मैं इस सब को एक बड़े डिब्बे में डालकर जमीन के नीचे छुपाऊंगी, ये फैसला करती है। तब वो उसके फैसले के मुताबिक जमीन में खोदकर उसमें ये बड़ा डिब्बा डालकर उसमें उसके सारे सोना सब कुछ भर के उस डिब्बे को बंद करके उस पे मिट्टी डालकर उसके जमीन के टाइल्स को वो वापस लगा देती है। उसके बाद वो वहां से चले जाती है। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। हर रोज की तरह एक दिन जब चंटी तरबूज खरीद कर उसके घर आता है, तो उसे कहीं नीचे रखने की जगह देखता है। इतने में उसके हाथ से वो तरबूज नीचे गिरकर टूट जाता है और उसके साथ ही जमीन का टाइल भी टूट जाता है। अरे रे, मेरा तरबूज टूट गया, एक और तरबूज खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? ऐसे गम में वो तरबूज के टुकड़ों को और उसके नीचे टाइल के टुकड़ों को फेंकने के लिए इकट्ठा करता है। अरे ये क्या,
टूटे हुए इस टाइल के नीचे मिट्टी पर हाथों का निशान है। क्या सारे टाइल्स के नीचे ऐसे ही हाथ के निशान होंगे? खोलकर देखना ही बेहतर होगा। ये फैसला करके वो उसके बगल के टाइल को भी निकाल कर देखता है, पर उसके नीचे मिट्टी पे हाथ के निशान नहीं होते हैं। ये देख वो आश्चर्यचकित होता है। अरे ये क्या, एक टाइल के नीचे हाथ के निशान और दूसरे टाइल के नीचे कुछ भी नहीं? ये सोचते हुए जब वो मिट्टी को इधर उधर करता है तो उसे एक टिप्पा नजर आता है और उसे देख वो दंग रह जाता है। ये इतना बड़ा टिप्पा कहाँ से आया होगा? मैंने तो नहीं रखा इसे यहाँ। ये सोचते हुए वो उस डिब्बे को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है, पर उतनी कोशिश के बावजूद वो निकाल नहीं पाता है। हार मानकर वो डिब्बे को खोल ही लेता है। डिब्बे के अंदर सोना, जेवर और गहने देख वो एकदम चौंक जाता है। बाप रे, इतना सारा सोना मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है, और ये सब मेरे घर के नीचे मिलना तो एकदम आश्चर्यचकित है। ये सब देखकर तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरे घर के नीचे ये सब मिला है। तरबूज नीचे गिरने के कारण ही मुझे इसके बारे में पता भी चला है, वरना शायद कभी पता नहीं चलता। इन पैसों के साथ तो मैं आराम से जी पाऊंगा, मुझे सब्जी बेचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरा मन पसंद तरबूज मैं हर रोज खरीद पाऊंगा। लेकिन अगर मैं एक ही बार में बहुत सारे तरबूज खरीदूंगा तो लोगों को मुझ पे शक आ जाएगा, इसलिए मुझे इन पैसों को ध्यान से खर्च करना होगा। और इतना ही नहीं, मुझे इस डिब्बे को यही जमीन के नीचे ही रखना होगा, ताकि कोई अगर मेरे घर आए भी तो उन्हें शक तो नहीं होगा। ये फैसला करके वो कुछ पैसे उस डिब्बे से लेकर उस पे वापस टाइल लगाकर तरबूज खरीदने जाता है। तब से वो हर रोज सब्जियों को बेचना बंद करके सिर्फ तरबूज खरीदते हुए खुशी खुशी जीता है। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो पैसे लेकर तरबूज खरीदने दुकान जाता है। अरे आज तरबूज बहुत कम दिख रहे हैं, क्या बात है? गर्मी का मौसम खत्म होने वाला है ना भाई साहब, इसलिए तरबूज कम ही दिखेंगे ना। अब ज्यादा उगाएंगे भी नहीं कोई भी, तो इनका मिलना कम हो जाएगा। अरे हाँ, अगर गर्मी का मौसम खत्म हो गया तो मैं अब तरबूज खरीद नहीं पाऊंगा, इसीलिए एक तो नहीं बल्कि सारी तरबूज खरीदूंगा मैं। कम से कम इन सारे तरबूजों को तो खा पाऊंगा। आप यही रुकिए भाई साहब, मैं अभी घर जाकर कुछ और पैसे लेकर आऊंगा। इस सारे तरबूजों को मैं ही खरीदूंगा, आप किसी को ये तरबूज नहीं बेचेंगे, ठीक है? अपनी चारों ओर देखे बिना चंटी ये कहकर वहाँ से जल्दी चले जाता है। ये सब वही मौजूद एक अमीर आदमी सुन लेता है। हाँ, सब्जियां बेचकर आए हुए पैसों से एक दो तरबूज खरीदने वाले चंटी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए कि वो सारे दुकान में मौजूद तरबूज खरीद पाए? दाल में कुछ तो काला है, इसलिए मैं इसका पीछा करके इसके घर तक जाऊंगा और देखूंगा कि इसे इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। उसके फैसले के मुताबिक ही वो चंटी को दिखे बिना उसका पीछा करके उसके घर पहुंचकर खिड़की से वो जो भी कर रहा है देख लेता है। इसका घर दिखने में इतना छोटा है, मगर इसके घर के अंदर इतने बड़े डिब्बे में बहुत सारा सोना और पैसा है, ये मुमकिन कैसे हो सकता है? उसे इतने सारे पैसे कहाँ से मिल रहे होंगे? लगातार पैसे निकालने के बाद भी वो डिब्बा बिल्कुल भरा दिख रहा है, मतलब क्या वो एक जादुई डिब्बा है? इसके घर के बाहर जाने के बाद मुझे तुरंत उस डिब्बे को खोलकर देखना ही होगा। थोड़ी देर बाद उस डिब्बे से पैसे लेकर चंटी तरबूज खरीदने दुकान जाता है, और उसके जाने के तुरंत बाद अमीर आदमी चंटी के घर में घुसकर उसके डिब्बे को खोलकर देख लेता है। उतने सारे पैसे को देख वो बहुत खुश हो जाता है और उस डिब्बे को उठाने की बहुत कोशिश करता है, पर डिब्बा भारी होने के कारण नहीं आता है। जितना भी कोशिश करूं, इस डिब्बे को मैं उठा नहीं पाऊंगा। इससे बेहतर यही है कि सारे पैसे को मैं लेकर जाऊं यहाँ से। इसलिए वो एक के बाद एक सोने को और पैसे को उठाते लेते जाता है। लेकिन बहुत सारे पैसे और गहने लेने के बाद भी उस डिब्बे में और भी बचकर रहना देख वो चौंक जाता है और दंग रह जाता है।
जरूर ये कोई जादुई डिब्बा है, इसीलिए मैं इसे उठा भी नहीं पाया हूँ। और ऐसे ही एक के बाद एक पैसों को गहनों को लेकर जाऊंगा तो वो चंटी घर आ ही जाएगा। इसीलिए उसके घर आने से पहले ही मुझे उसके पास लेकर एक सौदा बनाना होगा कि उसका घर मेरा हो जाए और मेरा उसका। तब मुझे ये जादुई डिब्बा में मिल जाएगा और इस गांव में सबसे ज्यादा अमीर बन जाऊंगा मैं। ये फैसला करके वो वहां से तुरंत तरबूज की दुकान जाता है चंटी से मिलने। चंटी, मैं सिर्फ इस दुकान के ही नहीं बल्कि बाहर से भी तरबूज मंगा कर तुम्हें दे दूंगा और साथ ही मेरा बहुत बड़ा घर भी तुम्हें दे दूंगा। इस सब के बदले में मुझे सिर्फ तुम्हारा घर चाहिए, वो मेरे नाम कर दो और मैं अपना घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। अगर तुम नहीं माने तो मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं होगा। सोच कर मुझे जवाब दो, इस गांव में सबसे अमीर आदमी तो यही है, ये कुछ भी कर पाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि मैं इसकी बात मान लूं और सौदा कर लूं। मैं इसका घर ले लूंगा और मेरे घर में जो पैसे और सोना मौजूद है वो सब मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे पास कम से कम एक घर तो होगा। उसी घर में मैं सब्जियां उगाकर अपना काम कर सकता हूँ और उसी पैसों से मैं तरबूज खरीद पाऊंगा, यही मेरे लिए अच्छा है। साहब, आपके कहे के प्रकार ही मैं करूंगा, मैं आपका घर ले लूंगा और आप मेरा ले लीजिएगा। ये सुनकर अमीर आदमी खुशी से पगला जाता है और तुरंत उसका घर चंटी के नाम कर देता है और चंटी का उसके नाम कर देता है। और उसके वचन के मुताबिक ही बाहर से भी तरबूज मंगाकर सारे तरबूज चंटी को दे देता है। और उसके बाद उसकी पत्नी को लेकर वो चंटी के उस छोटे घर में जाता है। अरे, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए? कीर्तना, अब से ये घर हमारा है, हम यहीं पर रहने वाले हैं। मुझे पता है कि ये घर बहुत छोटा है पर इसमें एक जादुई डिब्बा है, उसमें बहुत सारा पैसा, सोना और जेवर है। ऐसे वो जो कुछ भी हुआ कीर्तना को बताता है। ये सुनकर कीर्तना हैरान हो जाती है। हाय भगवान, मुझे बताए बिना आपने क्या कर दिया जी? ये कोई जादुई डिब्बा नहीं है, इस सब में जो सोना, गहने और जेवर मौजूद है ये सब हमारे ही है, मैंने ही इस डिब्बा को यहाँ लगाया है जी। गांव में हो रहे चोरी से बचने के लिए मैंने ये सब किया है। मैंने सोचा उन चोरों के जाने के बाद मैं पैसे लेकर वापस आ जाऊंगी और तब मैं आपको ये सब समझाऊंगी। मुझे आपको पहले ही बोल देना था, ये सब मेरी गलती है। बाप रे, ये क्या हो गया? मैंने भी पैसों की लालच में अपना घर उसके नाम और उसका घर मेरे नाम कर दिया, अब मैं उसे वापस कभी नहीं ले पाऊंगा। ऐसे सोचते हुए दोनों पति पत्नी दुखी बैठते हैं। सुनिए, जो हो गया सो हो गया, अब हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे पैसे, सोना और गहने हमारे पास ही है, इसका मूल्य ज्यादा है। कम से कम अब आप लालची मत बनिए और सोच समझ कर फैसले लीजिए, और मैं भी आपको बिन बताए कुछ भी नहीं करूंगी। ये फैसला करके दोनों हार मानकर उनके पास मौजूद पैसों से एक और बड़ा घर खरीद कर उसमें रहना शुरू करते हैं। और जब भी वो चंटी को देखते हैं दुख से निराश होते हैं, और दूसरी तरफ चंटी उसके बड़े घर में खुशी से रहते हुए सब्जी उगाते हुए और उन्हें बेचते हुए खुशी खुशी जी लेता है।